बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास टाइटल गिवन है आपको कि मूविंग प्रोग्रेसिव एंड कंपोजिट एवरेज क्या होता है। आज हम जिस पे डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या है कि मूविंग एवरेज क्या है, प्रोग्रेसिव एवरेज क्या है, कंपोजिट एवरेज क्या है। आपने मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस किया हुआ है। स्टूडेंट, मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने पढ़ा था कि जो हमारी सेंट्रल वैल्यू होती है, जो एवरेज वैल्यू होती है, जो कि आपके ओवरऑल डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है, वो हमारे पास क्या होती है, मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है। अब मूविंग एवरेज क्या है, एवरेज क्यों होंगे, एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा। अब मूविंग एवरेज क्या है, प्रोग्रेसिव एवरेज क्या है, कंपोजिट एवरेज क्या है, अब हम ये डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगी मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज की आप जब भी बात करते हो ना, तो आपके पास जो मूविंग एवरेज है वो आपने यूटिलाइज की हुई है इन द टाइम सीरीज में। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फॉर व्हाट पर्पस या वेयर डू यू अंडरस्टैंड द मूविंग एवरेजेज यूटिलाइज, तो आप कह सकते हो कि इन टाइम सीरीज वी कैन यूज द मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। अब मूविंग एवरेज है क्या, मूविंग मूव से ही आपको पता चल रहा है। स्टूडेंट, अब जिस तरह ये हमारे पास सीरीज है ए बी सी डी ई, ये हमारे पास वैल्यूज है। मूविंग एवरेज अगर थ्री ईयर मूविंग एवरेज, वैसे अगर मूविंग एवरेज की बात करो तो आपके पास थ्री ईयर्स भी होता है, फाइव ईयर मूविंग एवरेज भी है एंड सेवन ईयर्स भी है। अगर थ्री ईयर्स की बात करें, इट्स मीन आपने थ्री वैल्यूज़ का सम लेना है और उनकी एवरेज फाइंड करनी है। आपने इनका सम लिया और उसकी एवरेज फाइंड किया। आपको पता है कि जो एवरेज होती है वो हमारे पास क्या होती है, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, मतलब इन वैल्यूज़ का सम एंड डिवाइडेड बाय एन, थ्री से डिवाइड करना। अब स्टूडेंट, हमने मूविंग एवरेज में क्या करना होता है, नेक्स्ट की तरफ मूव करना होता है। आपने फर्स्ट वैल्यू को स्किप कर देना होता है और नेक्स्ट की तरफ मूव करते हो। अब आपके पास जो थ्री वैल्यूज होंगी वो कौन सी होंगी, बी सी एंड डी होंगी। आपने इनका सम लेना है और यहाँ पे इनकी एवरेज फाइंड करनी है। तो इस तरह आपके पास ये जो प्रोसेस चलता जाएगा मूविंग एवरेज, हम इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखो, हमने लिए पहले फर्स्ट थ्री वैल्यूज और थ्री पर डिवाइड किया, ये मूविंग एवरेज था। इसी तरह आपने फिर नेक्स्ट इसको स्किप करके बी सी एंड डी लिया एंड डिवाइडेड बाय थ्री के। इस तरह नेक्स्ट वैल्यूज आप ले सकते हो, सी बी को स्किप कर दोगे, नेक्स्ट वैल्यू ऐड कर लोगे ई, तो आपके पास सी डी एंड ई आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय थ्री। दिस इज द मेथड ऑफ द मूविंग एवरेज, एंड मूविंग एवरेज आपके पास यूटिलाइज हो रही होती है इन द टाइम सीरीज। आप कहते हैं मूविंग एवरेज आर यूटिलाइज मोस्टली इन द एनालिसिस ऑफ द टाइम सीरीज टू नो अबाउट द ट्रेंड। अब प्रोग्रेसिव सीरीज क्या है, प्रोग्रेसिव जिस तरह नाम से ही पता चल रहा है, प्रोग्रेस करना। ए बी सी डी एंड ई सीरीज अगर आपको गिवन है, आपने लिया ए प्लस बी एंड डिवाइडेड बाय टू किया। अब प्रोग्रेस करनी है, आप थर्ड को ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय थ्री। नेक्स्ट को ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय फोर। दैट सीरीज इज कॉल्ड द प्रोग्रेसिव सीरीज। ये हमारे पास क्या कहलाती है, प्रोग्रेसिव सीरीज होती है, और इसको मजीद आप बढ़ाते जा सकते हो। अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रोग्रेसिव एवरेज जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, तो स्टूडेंट आप बता सकते हो कि जो प्रोग्रेसिव एवरेज है और यूज टू नोट द अबाउट एवरेज प्रॉफिट इन स्टार्टिंग ईयर्स ऑफ द कमर्शियल इंस्टीट्यूशन। अगर कमर्शियल इंस्टीट्यूशन में हमने प्रॉफिट्स मालूम करना है तो यू कैन यूज द सीरीज ऑफ द प्रोग्रेसिव एवरेज। अब कंपोजिट हमारे पास क्या होता है, देखिए कंपोजिट आपके पास एवरेज होती है जहाँ आप तमाम के तमाम जो मीन्स होते हैं उनको कंपाउंड कर लेते हो, कंपोजिट कर लेते हो। तो एवरेज ऑफ द एवरेजेस ऑफ डिफरेंट सीरीज इज नॉन एज कंपोजिट। फार्मूला इसका मैं आपको बता देती हूँ कंपोजिट सीरीज का, कि आपके पास क्या होता है, कंपोजिट सीरीज इज इक्वल्स होता है सम ऑफ एवरेज ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, जहाँ सम ऑफ इन एवरेज एवरेजेस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीरीज, ये इसकी इक्वल होता है। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। ये हमारे पास डिफरेंस होता है कि मूविंग एवरेज क्या है, प्रोग्रेसिव एवरेज क्या है, या आपके पास कंपोजिट एवरेज क्या है। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है या आपको किसी कोई टॉपिक समझ में नहीं आए, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।